गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, माय सब्जेक्ट इज पीएसपी पावर सिस्टम प्लानिंग एंड द टुडे टॉपिक इज दैट रिलायबिलिटी प्लानिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद माय टॉपिक रिलायबिलिटी प्लानिंग। द फर्स्ट पॉइंट इन रिलायबिलिटी प्लानिंग इज दैट द बेसिक फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इज मस्ट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स विद एडिक्वेट क्वालिटी एंड इन एन इकोनॉमिकल मैनर। जो बेसिक फंक्शन है एक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का वो इज मस्ट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए विद एडिक्वेट क्वालिटी एंड इन एन इकोनॉमिकल मैनर। यानी एडिक्वेट क्वालिटी और एक इकोनॉमिकल मैनर के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो एक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में उसका बेसिक फंक्शन होना चाहिए। बेसिक फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इज मस्ट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स विद एडिक्वेट क्वालिटी एंड इन एन इकोनॉमिकल मैनर। जो बेसिक फंक्शन है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का वो क्या होना चाहिए कि एक इकोनॉमिकल तरीके से और एडिक्वेट क्वालिटी के साथ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना एक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का बेसिक फंक्शन होना चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट द चेंजेस इन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं। द चेंजेस इन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्रीज कॉस्ट स्ट्रक्चर इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर में परिवर्तन आए हैं। देयर इज ग्रोइंग फीलिंग, तो एक ऐसा भाव आता है दैट इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्विस रिलायबिलिटी शुड बी मोर एक्सप्लिसिटली एब्यूलेटेड विद रेफरेंस टू देयर कॉस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो इससे ये भाव आता है कि इन्वेस्टमेंट जो इलेक्ट्रिक सर्विस इलेक्ट्रिक सर्विस रिलायबिलिटी के प्रोविजन से जो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो स्पष्ट रूप से उनका मूल्यांकन होना चाहिए विद रेफरेंस टू देयर कॉस्ट, उनकी कॉस्ट के रेफरेंस के साथ, कॉस्ट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग एंड इन इम्प्लीमेंटेशन, और उनके इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग उनका स्पष्ट रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। द चेंजेस इन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर में परिवर्तन आए हैं। देयर इज ग्रोइंग फीलिंग, तो एक ऐसा भाव आया है दैट इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्विस रिलायबिलिटी शुड बी मोर एक्सप्लिसिटली इब्यूलेटेड विद रेफरेंस टू देयर कॉस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इससे जो इन्वेस्टमेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्विस रिलायबिलिटी के प्रोविजन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी तरीके से उनका मूल्यांकन होना चाहिए विद रेफरेंस टू देयर कॉस्ट, उनकी कॉस्ट के रेफरेंस के साथ और उनके इम्प्लीमेंटेशन के साथ उनका अच्छी तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट इन रिलायबिलिटी प्लानिंग इज दैट because of the changes in the technology, technology, consumer needs, and lifestyles, economic factors, etc. Reliability preference can also shift to Reliability preferences can also shift over time.
can also shift overtime. This may require periodical revision. Revision at the reliability standards. Reliability standards. As the reliability standard changes from time to time. This is the next point in reliability planning. Because of the changes in technology में परिवर्तन होने के कारण consumer needs, consumer की आवश्यकता के कारण and lifestyle और consumer की lifestyle के कारण economic factors etc. Because of the changes in technology में change होने के कारण consumer की needs के कारण और उसकी lifestyle के कारण और कुछ economic factors के कारण reliability preferences can also shift over time. Reliability preference ओवर टाइम शिफ्ट हो सकता है. दिस मे रिक्वायर पीरियोडिकल रिविजन एट द रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स. यानी रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड पर इसके लिए पीरियोडिकल रिविजन होना चाहिए. यानी एक पीरियड के अकॉर्डिंग इसका रिविजन होने की आवश्यकता है. दिस मे रिक्वायर पीरियोडिकल रिविजन एट द रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स. इसके लिए रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स पर पीरियोडिकल रिविजन की आवश्यकता हो सकती है. इसके लिए रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स पर पीरियोडिकल रिवीजन की आवश्यकता हो सकती है. एज द रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड चेंजेस टाइम टू टाइम. चूंकि जो रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड है वो टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in contract the total cost minimization approach trade off in shown in figure. यहाँ पे reliability और cost के बीच में एक curve draw कर रहे हैं हम. This is the curve which is draw between the reliability and the cost. Reliability versus cost curve. This is the reliability versus cost curve. This is the minimum point. Reliability versus cost curve. This is called the system cost. This is the system cost. System cost. System cost. And this is the consumer outage cost. Consumer outage cost. Here x-axis is the reliability and y-axis is the cost. This is the utility here. This is the utility, and this is called the total cost. This curve represents the total cost.
In this curve, the curve draw between the reliability and the cost. The reliability is on the x-axis and the cost is on y-axis. Here the two types of cost. First is the system cost and consumer outage cost. The total cost is the sum of system cost and consumer outage cost. Here the lowest point in the total cost curve gives the optimum reliability of the system. Here the total cost is, which is the sum of system cost and consumer outage cost. Here the total cost, the lowest point in the total cost curve gives the optimum reliability of the power system. This is the curve between the reliability and cost. This is called system cost and consumer outage cost. Intersection point of the system cost and consumer outage cost is this, and total cost, the lowest point, total cost, which is the sum of system cost and consumer outage cost. Here the lowest point in the total cost curve, here the lowest point in total cost curve gives the optimum reliability of power system. So the this point, the power system is optimum reliable. Now the next point in the for this curve. Now the next point for this curve is that the total cost of supplying electricity, the total cost of supplying electricity is the sum of system cost and consumer outage cost, which is shown in reliability versus cost curve. Sum of system cost and consumer outage cost. The lowest point on the total cost curve defines the optimum balancing of system cost and consumer cost. LOLP means loss of load probability. EUE. LOLP means loss of load probability. And EUE. Expected unreserved energy. EUE. Expected unreserved energy. This point represents the reliability versus cost curve. The total cost of supplying electricity is the sum of system cost and consumer outage cost.
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है, जो कि सिस्टम कॉस्ट और कंज्यूमर आउटेज कॉस्ट का सम है, योग है। टोटल कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की, वो सिस्टम कॉस्ट और कंज्यूमर आउटेज कॉस्ट का सम है। द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द टोटल कॉस्ट कर्व डिफाइंस द ऑप्टिमम बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम कॉस्ट एंड कंज्यूमर कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट कर्व में जो लोवेस्ट पॉइंट है, वो वहां पे सिस्टम कॉस्ट और कंज्यूमर कॉस्ट ऑप्टिमम बैलेंसिंग अवस्था में, ठीक है, वहां पे सिस्टम कॉस्ट का और कंज्यूमर कॉस्ट का आपस में बैलेंसिंग है, दोनों आपस में बैलेंस है। लोवेस्ट पॉइंट ऑन द टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व पे जो लोवेस्ट पॉइंट है ये डिफाइन करता है द ऑप्टिमम बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम कॉस्ट एंड कंज्यूमर कॉस्ट। सिस्टम कॉस्ट और कंज्यूमर कॉस्ट की ऑप्टिमम बैलेंसिंग को डिफाइन करता है। एंड डिटरमाइंस द ऑप्टिमम रिलायबिलिटी लेवल, और ऑप्टिमम रिलायबिलिटी डिटरमाइन करता है, रिजर्व मार्जिन डिटरमाइन करता है, LOLP मींस लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करता है, एंड EUE मींस एक्सपेक्टेड अनरिजर्व एनर्जी डिटरमाइन करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन रिलायबिलिटी प्लानिंग इज दैट From an implementation standpoint, from an implementation standpoint, the following analysis is required under this method for each of several pre-selected reserve margins and optimal reserve mix and optimal reserve mix resource mix is first determined. This is the next point. From an implementation standpoint से, यानी कि यदि implementation के standpoint से हम देखें तो द फॉलोइंग एनालिसिस इज रिक्वायर्ड अंडर दिस मेथड। तो इस मेथड के अंतर्गत निम्नलिखित एनालिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आवश्यकता होती है। फॉर ईच ऑफ सेवरल प्री सेलेक्टेड रिजर्व मार्जिन्स, सेवरल प्री सेलेक्टेड रिजर्व मार्जिन्स के प्रत्येक के लिए एन ऑप्टिमल रिजर्व मिक्स इज फर्स्ट डिटरमाइंड। सबसे पहले ऑप्टिमल रिजर्व मिक्स डिटरमाइन करते हैं। Now the next point is that in reliability planning, next for each resource mix for each resource mix, reduction costing, revenue requirements and reliability
calculations, reliability calculations, calculations are performed to estimate, are performed to estimate, performed to estimate, performed to estimate, estimate total cost, total, estimate total cost, total cost, as revenue requirement, revenue requirement plus EUE expected EUE outage cost in RS, outage cost in RS per kilowatt, RS per kilowatt hour. This is the next point. नेक्स्ट फॉर ईच रिसोर्स मिक्स रिडक्शन कॉस्टिंग, आगे प्रत्येक रिसोर्स मिक्स के लिए, इससे आगे हम प्रत्येक रिसोर्स मिक्स के लिए रिडक्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट को रिडक्शन करना, कॉस्ट को कम करना, रिवेन्यू रिक्वायरमेंट्स, रिवेन्यू की आवश्यकता एंड रिलायबिलिटी कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड, इसके बाद में हम क्या करते हैं प्रत्येक रिसोर्स मिक्स के लिए रिडक्शन कॉस्टिंग, रिवेन्यू रिक्वायरमेंट्स और रिलायबिलिटी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं टू एस्टिमेट टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए, पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं प्रत्येक रिसोर्स मिक्स के लिए रिडक्शन कॉस्टिंग, रिवेन्यू रिक्वायरमेंट और रिलायबिलिटी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. टोटल कॉस्ट इज द रिवेन्यू रिक्वायरमेंट प्लस के ईयूई, रिवेन्यू रिक्वायरमेंट्स, टोटल कॉस्ट इज द रिवेन्यू रिक्वायरमेंट प्लस ईयूई, ईयूई आउटेज कॉस्ट इन आरएस पर किलोवाट आवर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, now the next point is that that lowest point on this curve, the lowest point on this curve, lowest point on this curve, lowest point on this curve defines the optimum reserve requirement, defines the optimum reserve requirement which can also be calibrated to an optimum expected and optimal expected unreserved energy, energy optimal expected unreserved energy EUE, standard or sum, standard or sum, or sum, sum normalization of EUE, normalization of EUE EUE such as loss of energy probability, such as LOLP loss of energy probability. This is the last point in reliability planning. The lowest point on this curve defines the optimum reserve requirements, which can also be calibrated to an optimal expected unreserved energy.
लोवेस्ट पॉइंट जो टोटल लोवेस्ट पॉइंट जो रिलायबिलिटी कॉस्ट और कर्व में जो टोटल कॉस्ट में जो लोवेस्ट पॉइंट आया था वो डिफाइन करता है ऑप्टिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है विच कैन ऑल्सो बी कैलिब्रेटेड टू एन ऑप्टिमम एक्सपेक्टेड अनरिजर्व एनर्जी स्टैंडर्ड जो कैलिब्रेट कर सकता है ऑप्टिमल एक्सपेक्टेड अनरिजर्व एनर्जी स्टैंडर्ड्स के लिए और सम नॉर्मलाइजेशन ऑफ ईयूई और कुछ ईयूई के नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होते हैं ईयूई मींस एक्सपेक्टेड अनरिजर्व एनर्जी के कुछ नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होते हैं सच है जैसे कि एलओईपी एलओईपी मींस लॉस ऑफ एनर्जी प्रोबेबिलिटी थैंक यू डियर स्टूडेंट्स थैंक यू डियर स्टूडेंट्स थैंक यू